हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सभी आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उस आर्टिकल का नाम है हेल्पिंग अ लैंडिंग हैंड और इस आर्टिकल में बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स यूज हुई हैं तो आज हम वो कैब में उन फिनेंशियल टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ वर्ड्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे ठीक है आरबीआई ने कुछ डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस के बारे में बात मैं आर्टिकल में करूंगा पहले एक बार वो कैब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ अ लैंडे हैंड लैंडे हैंड का मतलब क्या होता है किसी को सपोर्ट करना किसी को असिस्ट करना किसी को हेल्प करना नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टिमुलस नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज स्टिमुलस कल भी हम पढ़ के गए थे स्टिमुलस स्टिमुलस होता है कैटलिस्ट स्टिमुलस हिंदी में साइंस में हम एक वर्ड पढ़ा करते थे उत्प्रेरक उसको बोलते हैं स्टिमुलस ठीक है इम्पिटस सीसी का सिनोनी में बूस्ट हो गया इंसेंटिव हो गया फिलिप कल ये तीनों वर्ड पढ़े थे इंसेंटिव फिलिप और बूस्ट आज नया वर्ड आ गया स्टिमुलस और इम्पिटस इनका मतलब होता है कैटालिस्ट जो किसी रिएक्शन को किसी भी एक्शन को कि प्रोसेस को तेज कर दे या स्लो कर दे कुछ भी कर सकता है दैट इज स्टिमुलस जैसे मिट्टी का तेल होता है मिट्टी का तेल क्या करता है आग को जला देता है वो स्टिमुलस हो गया पानी भी आग को बुझा देता है तो वो भी एक तरह का स्टिमुलस हो गया नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्यू क्यू का मतलब होता है किसी चीज का साइन इंडिकेशन या फिर सिग्नल नेक्स्ट वर्ड इज फिजकल कई बार पढ़ा होगा सुना होगा फिजिकल पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट बनाती है फिजिकल का मतलब होता है मॉनिट्री फिजिकल का मतलब हो जाता है फाइनेंशियल मॉनिट्री या फिर बजेटरी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट इज इन्फ्यूज नेक्स्ट इज़ इन्फ्यूज़ इन्फ्यूज का मतलब होता है कहीं पे कुछ मनी वगैरह को ऐड करना इंपार्ट करना इंट्रोड्यूस करना इन्फ्यूज ऑक्सीजन अब इस इन्फ्यूज से बनाया है इन्फ्यूज ऑक्सीजन इन्फ्यूज है फिल करना अंदर डालना और इंजेक्ट करना तो इन्फ्यूज ऑक्सीजन क्या हो जाएगा किसी के अंदर ऑक्सीजन डालना एक्चुअल में इन्फ्यूज ऑक्सीजन का मतलब होता है कि किसी को अलाइव रखना किसी के अंदर ऑक्सीजन uh, डालना मतलब किसी प्रोसेस को चलते रहने देना ऑक्सीजन एट इट फिगरेटिवली मीन्स एडिंग एन इंपॉर्टेंट इन्ग्रेडिएंट टू द सिस्टम टू हेल्प इट फंक्शन नॉर्मली एंड एफिशियंटली जिससे सिस्टम चलता रहे उसको बोलोगे इन्फ्यूज ऑक्सीजन अगला है लाइफ ब्लड लाइफ वर्ड ब्लड का मतलब क्या होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट असेंशियल कॉम्पोनेंट पार्ट ड्राइविंग फोर्स या फिर असेंस नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलेट्री क्या वर्ड है रेगुलेट्री रेगुलेट्री माने रिलेटेड टू रेगुलेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेशन करे ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंटल या मतलब रिलेटेड टू रेगुलेशन नेक्स्ट वर्ड वी हैव कैलिब्रेट वर्ड जो है कैलिब्रेट दो चार दिन पहले किसी आर्टिकल में हमने पढ़ा था कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन होता है मैनिपुलेशन मतलब चीज़ों को चेंज करना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना इज नोन एज कैलिब्रेट कैलिब्रेट का मतलब क्या हो जाता है केयरफुली किसी चीज़ को असेस करना रेगुलेट करना या फिर एडजस्ट करना नेक्स्ट वर्ड इज इवॉल्व एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स बहुत बार पढ़ा होगा तो इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप होना प्रोग्रेस करना या एडवांस होना नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस जेनरस होता है काइंड हार्टेड दयालु कई बार पढ़ लिया हमने ये तो लिबरल फ्री हैंडेड अनस्टिंटिंग काइंड या फिर बिग हार्टेड अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस होते हैं रिजल्ट आउटकम आउटकम हो गया रेमिफिकेशन हो गया रिपरकशन हो गया सारे इसी के क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज ओवर आर्किंग वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज ओवर आर्किंग ओवर आर्किंग का मतलब होता है जो मैथ्स में पढ़ते थे ना आर्क वर्क ठीक है तो ओवर आर्किंग मतलब जो आर्क बहुत बड़ी हो ऑल इंक्लूसिव और ओवर आर्किंग का मतलब होता है जिसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया जा चुका हो ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट ऑल एम्बरेसिंग ऑल एम्बरेसिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव कीप समथिंग ए फ्लॉट अभी पीछे था किसी में इन्फ्यूज करना ऑक्सीजन वही है कीप समथिंग अफ्लोट कीप समथिंग अफ्लोट का मतलब भी होता है किसी चीज से प्रॉपरली फंक्शनिंग करवाते रहना ठीक है क्या मतलब है टू कीप समथिंग गोइंग दैट मे नॉट बी वर्किंग वर्किंग आउट और परफॉर्मिंग वेल सस्टेन एंड रिमेन विथ स्टैंड अगला है एट सम कमांड और डिस्पोजल ऐट सम वंस कमांड और डिस्पोजल एट सम कमांड और डिस्पोजल का मतलब होता है कि सामने वाला जब भी आपको कमांड दे आप उसके लिए तैयार रहो उसको बोलते हैं एट सम कमांड रेडी टू असिस्ट रेडी टू असिस्ट द पर्सन कंसर्न इन अ वे दे विश जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से उनको हमेशा तैयार रहो नेक्स्ट इज कॉल आउट नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल आउट कॉल आउट का सिंपल मतलब होता है टू स्पीक या टू से लाउडली या फिर इसी का एक मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना या इसी का एक मीनिंग यूज होता है ड्रॉ अटेंशन टू नेक्स्ट इज रिस्क रिस्क ऑन एटीट्यूड एंड रिस्क ऑफ एटीट्यूड नाम से ही समझ में आना चाहिए रिस्क ऑन एटीट्यूड होता है जब इक्विटीज में शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मैंने कहा था ना कि कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होंगी वो डिस्कस करेंगे तो वो बीच बीच में आती रहेंगी हम डिस्कस करते रहेंगे तो जो रिस्क ऑन एटीट्यूड है रिस्क ऑन एटीट्यूड का मतलब होता है ऐसा एटीट्यूड जब इंसान रिस्क लेने के लिए रेडी हो उसको बोलते हैं रिस्क ऑन एटीट्यूड जब भी रिस्क ऑन एटीट्यूड होता है तो मार्केट्स में शेयर मार्केट्स में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है रिस्क ऑफ एटीट्यूड होता है जब मार्केट में से शेयर्स की सारे लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ एटीट्यूड पढ़ो देखो क्या लिख रहा है कह रहे हैं इट इज अ ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट व्हेन इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटलुक फॉर द इकॉनमी दे विल बिड अप द प्राइस ऑफ रिस्कियर एसेट्स ट इज रिस्क ऑन मतलब रिस्की जगह पे भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो रिस्क ऑन एटीट्यूड है और यहां पे रिस्क ऑफ एटीट्यूड है क्या कह रहा है वेन अनसर्टेनिटी और नेगेटिविटी हिट्स द मार्केट जैसे एट प्रेजेंट क्या है पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है नाउ डाउन चल रही है तो इस टाइम पे कोई भी रिस्क लेकर राजी नहीं है इन्वेस्टर्स टेंड टू सेल रिस्की असेट्स इन ए हरी एंड बाई अ सेट एज सेफ हैर लेस दैट इज रिस्क ऑफ इस सबको बोल देते हैं क्या रिस्क ऑफ फिर हमारे पास है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट सुना होगा कई बार सुना होगा कि भाई बैंक ने आर ने अपने रेट्स घटा दिए तो वो रेट्स कौन से घटाता है वो घटाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते क्या है रेपो रेट होता है जी ऑन विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक मतलब अगर कोई कमर्शियल बैंक हो अगर कोई कमर्शियल बैंक हो और वो आर से पैसे ले तो आर जिस रेट पे पैसा देगा जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा वो होगा रेपो रेट लेकिन अगर आरबीआई पैसा ले बैंक्स पैसा दें आरबीआई को तो उसको बोलोगे रिवर्स रेपो रेट सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आरबीआई इन द केस ऑफ लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स रिवर्स रेपो रेट क्या है इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री कंट्री के अंदर जब कोई बैंक से आर पैसा ले रहा है तो रिवर्स रेपो है लेकिन अगर आर पैसा दे रहा है तो वो क्या है रेपो रेट है ठीक है याद रख लेना भाई रेपो किसकी है आरबीआई की रेपो है तो आरबीआई पैसा दे रहा है तो रेपो, रेपो रेट है आरबीआई पैसा ले रहा है तो उसकी रेपो घट रही है तो रिवर्स रेपो, रेपो रेट है ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिस पॉइंट क्या चीज़ है हमारे पास बेसिस पॉइंट कई बार सुना होगा 25 बेसिस पॉइंट कट कर दिया अब 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है 25 बेसिस पॉइंट का यूजुअली जो मतलब होता है वो मीनिंग यूज होता है पॉइंट टू फाइव जैसे किसी ने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया तो इसका मतलब है पॉइंट टू फाइव परसेंट बेसिस पॉइंट का मतलब ही होता है बेसिस पॉइंट का मतलब होता है जब मान लो एक परसेंट को सौ हिस्सों में बांट दो एक पहला जो पॉइंट जीरो वन जो है वो बनेगा आपका वन बेसिस पॉइंट तो क्या है ए यूनिट ऑफ मेजर यूज इन फाइनेंस टू डिस्क्राइब द परसेंटेज चेंज इन द दैल्यू रेट ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वन बेसिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू जीरो पॉइंट जीरो वन बाय हंड्रेड ऑफ अ परसेंट और कई जगहों पे जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन भी लिख लिया जाता है इसको ठीक है जी फिर क्या लिख रहा है फिर हमारे पास फ्रे वर्ड है फर्दर मोर फर्दर मोर तो सुना होगा मोर एवर एडिशनल ठीक है मोर एवर ऑल्सो एडिशनली बिसाइड्स नेक्स्ट इज इंडल्ज इन इंडल्ज इन का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना बिकम इन्वॉल्व इन नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट वर्ड इज लेजी बैंकिंग ये भी अगेन एक फाइनेंस की टर्म यूज़ हो रही है लेजी बैंकिंग अब लेज़ी बैंकिंग क्या होती है ए मेथड ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक्स अवॉइड लैंडिंग एक ऐसा मेथड जिसमें बैंक्स जो है ना अवॉइड करते हैं लेंडिंग ठीक है और टेकिंग एनी रिस्क एंड पुट देयर मनी इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड लेजी बैंकिंग लेजी बैंकिंग का मतलब होता है जब बैंक जो है ना लोन देना पसंद ना करें उसको बोलते हो आप लेजी बैंकिंग फिर वर्ड आया हमारे पास पाक मनी को कहीं पे पार्क किया जाता है जैसे गाड़ी पार्क की जाती है तो क्या की जाती है गाड़ी को कहीं खड़ा कर दिया ठीक है इन द सेम वे मनी को पार्क किया जाता है तो मनी को कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है डिपॉजिट करना पुट करना सेव करना देन वी हैव वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ए बिजनेस वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ कैश इट कैन डिप्लॉय वेरी रैपिडली अदरवाइज नोन एज इट्स ऑपरेटिंग लिक्विडिटी बस सिंपल अगर टर्म्स में समझो तो वर्किंग कैपिटल होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जितना कैश है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट वी हैव ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओडी uh, होती है ओडी सुनी होगी जरूर तो ओडी क्या होती है किसी को लोन दे दिया जाता है क्रेडिट पे, लिमिट बना दी कि भाई इतना पैसा आप कभी भी क्रेडिट पे ले सकते हो एडवांस ले सकते हो नेक्स्ट इज एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है सबको पता होगा शायद आपको कि अगर किसी भी लोन अकाउंट में अगर किसी भी लोन अकाउंट में नाइन्टी डेज तक ई ना जाए तो उसको सब स्टैंडर्ड अकाउंट मान लिया जाता है, उसको बन, मान लिया जाता है। लेकिन इस समय पूरा जिसका नाम है असेट क्लासिफिकेशन, स्टेंट स्टेंट स्टेल। स्टेंट स्टेल का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना तो उन्होंने क्लासिफिकेशन को आज की डेट में क्या कर दिया है? रोक दिया मतलब अगर किसी अकाउंट में नब्बे दिन तक नहीं भी आता ना पैसा जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक की बात कही है कि नब्बे दिन तक अगर पैसा नहीं भी आता ना तब भी आप उसको एनपीए घोषित नहीं करोगे क्यों ऐसा किया है अब देखो किसी की इनकम आ रही इनकम नहीं आ रही तो लोग ई एमआई कहां से पे करेंगे तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मोरेटोरियम पीरियड दिया मोरेटोरियम पीरियड होता है कि मतलब इतने टाइम तक आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको ई भरने की जरूरत नहीं है उसी को लिख रहा है एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल पढ़ते देखो द आरबीआई वुड प्रोवाइड अ स्टैंड स्टिल ऑन असेट क्लासिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जिनके बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड चल रहे हैं मतलब जिनके लोन्स जो हैं पहले से ही सही चल रहे हैं हर टाइम पे पहुंचती है इंप्लाइंग बी क्लासिफाइड एसेट्स मतलब इनको एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा आफ्टर स्टिपुलेटेड 90 डे पीरियड 90 दिन के पीरियड के बाद हाव एवर द बैंक विल हैव टू मेंटेन एन एडिशनल प्रोविजनिंग ऑफ टेन ऑन सच अकाउंट्स और साथ ही साथ एक स्पेशल प्रोविजनिंग करेंगी मतलब जो बैंक्स हैं वो उस पर क्या करेंगे एक स्पेशल प्रोविजनिंग करेंगे ऑफ टेन परसेंट ऑन सच अकाउंट्स मतलब उनको कोई भी कह दिया होगा कि भाई या तो दस परसेंट दे विल हैव टू मेंटेन एन एडिशनल प्रोविजनिंग ऑफ टेन परसेंट ऑन सच अकाउंट्स मतलब टेन उनको एडिशनल कुछ छूट दे देंगे या टेन बैंक अपनी तरफ से कुछ रखेंगे जो भी बैंक को कोई वो दी गई है Uh, कि आप इसके लिए प्रोविजनिंग करोगे द बैंक्स विल हैव टू मेंटेन एन एडिशनल प्रोविजनिंग ऑफ 10% ऑन सच अकाउंट्स मतलब कि वैसे बता ही देता हूं चलो प्रोविजनिंग होती क्या है हर साल बैंक के जितने भी एनपीएज होते हैं बैंक उन एनपीएज को बैंक उन एनपीएज को धीरे-धीरे प्रोविजन करता है प्रोविजन करता है प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि उस चीज को ये मान लिया कि अब इस अकाउंट से पैसा नहीं आने वाला तो जितने भी एसेट को स्टैंड स्टिल किया जाएगा मतलब जिनको 90 दिन के बाद एनपीए नहीं माना जाएगा उनमें से मान लो 100 अकाउंट 100 अकाउंट को एनपीए नहीं माना गया जिनमें पैसा नहीं आया तो उनमें से 10 परसेंट को बैंक को यह मानना चलेगा कि ये 10 परसेंट तो हमारा एनपीए होगा ही होगा तो इसको कह रहा है प्रोविजनिंग उनको करनी पड़ेगी ऐसी बात कह रहा है तो असेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल का मेनली मीनिंग यही था कि भैया एनपीए हो भी जाए तब भी एनपीए उसको नहीं कहना है फिर क्या कह रहा है मोरेटोरियम मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है ए टेम्परेरी सस्पेंशन ऑन एक्टिविटी टेम्परेरीपेंस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी एम्बार्गो बैन या प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज पे थोड़े टाइम के लिए रोक लगा देना जैसे ई एम आई पे क्या लगा दी गई रोक लगा दी गई नेक्स्ट इज नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बताया ही मैंने बैड लोन्स होते हैं ट्रबल्ड अकाउंट्स होते हैं स्ट्रेस लोन्स होते हैं एन अकाउंट वेयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेंस ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में नब्बे दिन का टाइम है ब्रीदिंग स्पेस ब्रीदिंग स्पेस हो जाता है इंटरवेल ब्रेक या रिस्पाइट ठीक है फिर है वेज एंड मीन्स एडवांस ये भी एक अच्छी टर्म है इकोनोमी की वेज एंड मीन्स एडवांस वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है कह रहे हैं ए डब्ल्यू एम ए बोल रहे हैं इसको ए फैसिलिटी फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है कि आरबीआई ने कह दिया कि जो सेंटर है या स्टेट गवर्नमेंट है वो आरबीआई से एट प्रेजेंट बोरो कर सकते हैं दीज बोरोइंग्स आर मेंट प्योरली टू हेल्प देम टू टाइड ओवर टेम्प्रेरी मिसमैचेज इन कैश फ्लोज ऑफ देर रिसीड्स एंड एक्सपेंडिचर सारे बिजनेसिस बंद है गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर तो चल रहे हैं एक्सपेंडिचर तो बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं है ना कोविड नाइन्टीन के लिए गवर्नमेंट तो पूरा खर्चा कर रही है लेकिन पैसा कहीं से आ नहीं रहा तो पैसा नहीं आ रहा इस टाइम पे इन सारी चीज़ें चलती रहें गवर्नमेंट को दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए आर ने कहा है कि तुम हमसे पैसा लोन ले सकते हो दैट इज़ वेज एंड मीन्स एडवांस यानी कि डब्ल्यू एम ए फिर है प्रोपअप प्रोपअप का मतलब क्या है प्रोपअप का मतलब भी होता है किसी को सपोर्ट करना लैंड हैंड ठीक है तो यही सब हमारा आज के वर्ड्स थे इन वर्ड्स के आगे हम डिस्कस कर लेंगे अभी हमारे जो आर्टिकल है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है मज़ा आएगा डिस्कस करते हुए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों बस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा ठीक है जी थैंक यू फ्रेंड्स